सब में रिएक्ट करने वाली हूँ. और अल्लू अर्जुन गॉट कॉट बाय पुलिस सी फ्रॉम द मूवी रेस गुर्रम. ओके पुलिस से पकड़ने वाले, मतलब रॉबरी भी हुई इसके पहले. उसके पहले तो हमने श्रुति हासन का देखा कि ये अजीबो गरीब है, ये कभी चेंज होगी भी या नहीं मूवी में क्या पता आगे जाके. एंड दिस इज द नेक्स्ट सीन जहां पे वो खुद पुलिस से पकड़े जाते हैं. सो फ्रेंड्स स्टार्ट. हेलो एंड आई एम मुनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. भाई सामने, ओ माय गॉड, हम तो उड़ चुके. भाई सामने, अच्छा उसका भाई है. छोड़ हमेशा क्या बोलना, जाने दे. उसके साथ में लड़की भी है सर. साथ में लड़की है? हाँ सर. अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे. सर आपको बुला रहे हैं, चलिए. ये तो थोड़ी चेंज हो गई लगता है ना. नाम बोल. ओ लकी. लकी लड़की कौन है तुम्हारे साथ? मेरी गर्लफ्रेंड है, बड़ी मुश्किल से पटाई है. अच्छा गर्लफ्रेंड, तुम कहाँ से आ रहे हो? मंदिर जाकर भजन करके वापस आ रहा हूँ. साथ लाए हो क्या? तू खाएगा क्या? खुशबू आ रही है. तुम इसे कब से जानती हो? 2-3 महीने से जानती हूँ. वो तो लग ही रहा है, तभी तो इतनी रात को इसके साथ घूम रही हो. वैसे देखने में तो ये चोर लगता है. आपको गलतफहमी हुई है सर. ओहो, रेप करने वाले बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं पता है. कल को अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो पुलिस क्या सो रही थी, कुछ कमी ने लोग ऐसा बोलने लग जाते हैं. हेलो, हमें छोड़ने के लिए क्या लेंगे? रेस्पेक्ट. ड्रंक एंड ड्राइव केस, रेस्पेक्ट दूंगा ना सर. कभी अकेले में मिलिए ना, बहुत रिस्पेक्ट दूंगा. अच्छा बता, काम क्या करता है तू? मैं वो इंजीनियर. और रहता कहाँ पर है? मेरा एड्रेस वो. मजबूरी है सर, इसका US जाने का ड्रीम था, मेरे लिए आइडिया ड्रॉप कर दिया. बाप रे, वीजा मिला तो रुक गया तुम्हारे लिए. हैं लकी, बढ़िया मैनेज करता है. वैसे अभी काम क्या करता है तू? बेरोजगार हूँ सर. बेरोजगार? बेरोजगार है तो पैसा कहाँ से आता है? तेरे पापा बहुत पैसे वाले हैं. रिटायर्ड ऑफिसर. इनकम? वो मेरे एक बड़े भैया भी है सर. तो भैया की मेहनत के पैसों से तू इसके साथ. Excuse me, sir. हम किसी के भी पैसों से ऐश करें, आपको क्या? आप दे रहे हैं क्या पैसे? आप इनके भैया वही है, वो भी आपकी तरह पुलिस ऑफिसर है. Really? हाँ लेकिन थोड़े से मेंटल है. Oh my God. ये क्या बोल दिए इससे? मेंटल. हाँ मेंटल. मेंटल? कितना बोलती हो तुम? अरे तुम चुप करो, अपने मेंटल भैया को फोन करो. फोन करो अपने मेंटल भैया को. शट अप, शट अप. तुम्हारा नाम क्या है? अपनी फैमिली डिटेल्स बताओ. मेरी फैमिली के बारे में क्यों जी? लकी के बारे में पूछे ना. मेरे घर पे अभी हमारे बारे में पता नहीं है ना. हेलो, परेशान क्यों कर रहा है तू? ए लॉकअप में डाल लेना. सर कितना फाइन चाहिए बता दीजिए ना, हम लेकर चले जाएंगे. हम स्टूडेंट्स हैं सर. स्टूडेंट वर्मा सर, मुझे कंप्लीट डिटेल्स चाहिए इस लड़की की. ओ हेलो, क्या है केस? क्या है? हम दोनों ओवर 21 है, लाइसेंस है, ऊपर से मैंने लिमिट में पी रखी है. अगर चाहते हो तो चेक कर सकते हो. पता चला लड़की साथ में तेरे, इसलिए छोड़ रहा हूं. अच्छा इतने गुंडा सीन दोनों. क्रिमिनल्स को पकड़ो. सर छोड़ दीजिए. बेटे में तो बदलाव आ गया, इनमें कब आएगा क्या पता. टाइम हो गया सर. मिल्कशेक सर. ये क्या? अब मैं क्या? थोड़ा सा जोर से बोलेंगे प्लीज, मुझे कुछ सुनाई नहीं. घर में पता चल गया क्या? आजकल तुम्हारे बिहेवियर में बहुत चेंजेस नजर आ रहे हैं. मतलब टाइम पर ठीक तरह से खाती नहीं हो, घर नहीं आती हो. मुझे एक छोटा सा डाउट है, कोई तो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है. कौन है वो? लकी है डैडी. सीधा बोल दिया. मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, उसके अलावा मैं और किसी से शादी नहीं करूंगी. आपके मन में और कोई सवाल है डैडी? पूछने के लिए बचा ही क्या है, कुछ नहीं. बाप रे, ये इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? वो दिखता कैसा है? दिखने में मेरी तरह डिग्निफाइड तो है ना.
बकवास है। भाषा भाषा कैसी है उसकी? डिसेंट तो लगती है ना? ए कुत्ते के बच्चे। डैडी मैं अपने दिल की बात कह चुकी हूँ, उसके बारे में आपको और कुछ भी जानना हो तो उसी से जान लीजिए। ठीक है, उसकी मेरी मीटिंग फिक्स करो। हेलो लकी, क्या कर रहे हो? मेरे डैडी तुमसे मिलना चाहते हैं। ओके, तुम जो भी कहते हो सही है लकी। एक घंटे बाद आपको ओल्ड सिटी के गोल्डन कैफे में मिलने को बुलाया है। ये क्या? एक घंटे में अपॉइंटमेंट तो वो मुझसे लेगा। आप ही तो कहते हो ना, जिसका काम होता है उसे ही जाना चाहिए, वही तो फॉलो कर रही हूँ मैं। उसने तो आपको अपना ससुर जी मान लिया है, कंप्लेंट आपको है, इसलिए आपको मिलने जाना चाहिए। हो गई लव स्टोरी शुरू। अरे शेक तो इसी से पी लिया। ससुर जी, मैं यूं लकी, आइए छोटू दो चाय ला रहे। ससुर जी आप बहुत लकी, आइए ना। यहाँ का समोसा A1 है, आपके लिए ऑर्डर करूँ? एक्चुअली ये उस्मान बिस्किट बहुत फेमस है, आप ये ट्राई कीजिए। अरे रुको रुको रुको, क्या हुआ, ब्रश नहीं किया? इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए ये जगह चुनी है? क्यों ससुर जी, ये सुपर प्लेस है। क्या है ना, यहाँ हमारी आपस की बातें कोई नहीं सुनेगा, डेमो दिखाता हूँ। हेलो अली। ऐसी सुपर प्लेस कहाँ मिलेगी? तो बताइए कब का मुहूर्त निकालूं? कौन हो तुम? मेरी बेटी के पास 500 करोड़ की दौलत है, 10 बंगले हैं, 10 फैक्ट्री भी है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास आपकी बेटी है। ससुर जी कल यहाँ मर्डर हुआ था, लगता है वही लोग आ गए। भागो भागो भागो। यहाँ पर ठीक है, हम सेफ है, बोलो। अरे मर्डर वाली जगह पे मीटिंग फिक्स की। ये क्या हो रहा है? टाइम ही खराब है, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। ससुर जी यहाँ आइए, जल्दी बात खत्म कर लेते हैं। देखिए आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है और आपको ससुर जी बनाने। छोड़ना मत उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो, वो देखो वहाँ है। ओह माय गॉड, ये यहाँ? तुम जानते हो इसे? ससुर जी ये सारे अटैक मुझ पर हो रहे हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं। आज तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा लकी। मेरे साथ बताइए वरना ये आपको मार देंगे। अरे रुको, यहाँ से। हेलो एक्सक्यूज मी, उससे पहले इसे मारो। और ये कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़े? वो ना, आपकी बेटी से पहले उसकी बेटी के साथ मेरा अफेयर था, उसका और मेरा वर्कआउट नहीं हुआ तो हमारा ब्रेक ऑफ। आप पीछे पड़े। अगर पहले से ये अफेयर था तो मेरी बेटी को क्यों फंसा? ससुर जी आपको जवाब चाहिए, जान चाहिए। तो अभी झुकी है, झुकी है। ससुर जी आ जाइए, आ रहे, जल्दी कीजिए। वो कैसे आएगा? वो कहाँ गया? वो कौन है मैं जानता ही नहीं। उसके बारे में जाने बिना उसके साथ भाग रहा था तू? मुझे लगा कि वो चोर है, इसलिए मैं भी उसका पीछा कर रहा था। बात मत करो बाबा, काट डालो। ए, मटन चिकन समझा जो काट डालेगा मुझे? मेरी बेटी उससे प्यार करने लगी है, उससे शादी करने की जिद कर रही है, इसलिए मिल लिया। ये तुम क्या कह रहे हो, सच में तुम्हारी बेटी उससे प्यार करती है? करती है ना। अरे चलो चलो हथियार वापस ले लो। तुम्हारे जैसा बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। इसे ढूंढने के लिए एक महीने से मैं पागल की तरह घूम रहा हूँ। किस लिए? मेरी बेटी से पहले ये प्यार करता था, लेकिन अब वो प्यार तुम्हारी बेटी पर शिफ्ट कर दिया, इसीलिए मैं अपनी दुश्मनी तुम पर शिफ्ट करता हूँ। अब समझो मेरा बदला पूरा हुआ। ए, सारे हथियार अब इसको दे दो। ये क्या? ये लो रखो, ये हथियार तुम्हें दो तरह से काम में आएंगे, या तो तुम उसे मार डालो या फिर खुद आत्महत्या कर लो। इसलिए कि तुम उसकी हरकतों को अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे। ए चलो रे, काम हो गया। डैडी ये क्या भेस बनाया है और चिल्ला क्यों रहे हैं? लकी ने आपको भी बदल दिया है ना, मजा आया ना? मुझे इस तरह देखकर तुम चिढ़ा रही हो ना मुझे? उसका इंट्रोडक्शन तो बहुत ही भयंकर था। मैं तुम्हारी शादी उसके साथ जीते जी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। ये क्या चल रहा है? फैशन शो जा कर आ रहा हूँ। सुन बेटी,
लकी को मारने के लिए एक बंदा अपना घर बार छोड़कर उसे ढूंढ रहा है और मैं उससे मिलने आया हूँ ये जानकर वो मेरी जान के पीछे ही पड़ गया था। अरे बाप रे, मौत से नाता खतरा है पर इससे नाता तो मौत से भी ज्यादा खतरा है। नहीं चाहिए हमें ये। शेर को सवा शेर मिल गया। ससुर जी, हमारे घर में कैसे आया है? कौन है तुम्हारा ससुर जी? आप हो ना? चलो बाहर निकलो। मैं लकी से प्यार करती हूँ डैडी। तुम पार्ट टू हो, तुमसे पहले भी पार्ट वन है। एक लड़की से प्यार करके उसे धोखा देने के बाद तुम्हें फंसाया। मैं ऑलरेडी जानती हूँ, लकी ने बताया है। ऑलरेडी बताया है? क्या बताया? अरे ससुर जी, हमारे बीच धूम वन धूम टू ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों की सेटिंग नहीं हुई, खेल खत्म, दुकान बंद, चैप्टर क्लोज। अगर मैं उससे प्यार करते करते आपकी बेटी से प्यार करता तो गलत। क्या कहती हो बेटी? तुम जो कहते हो वही सही है लड़की। फंसा रहा है तुम्हें ये? इसमें फंसाना क्या है डैडी? आप ही तो कहते हैं ना, हमारे घर का नौकर अगर हमारे घर पर काम करे और किसी और के घर में भी काम करे तो गलत है, लेकिन अगर किसी और के घर का काम छोड़ कर हमारे घर में नौकरी करता है तो गलत है। ऊपर से आप कहते हैं कि एक्सपीरियंस भी होता है, तो वही एक्सपीरियंस मेरे भी तो काम आएगा ना। तुम तो छा गई स्वीटी। क्या तुम भी, तुम्हारी ही तो ट्रेनिंग है ना। सुभाषीर पाजी मार गया। ससुर जी, अगर आपका ईगो नहीं मान रहा है तो इनकार के लिए ओनली वन वन रीजन बता दीजिए। रीजन चाहिए ना तुम्हें? बताता हूँ, परफेक्ट रीजन बताता हूँ। क्यों रे, तुम दोनों प्यार करते हो ये बात मुझे कैसे पता चली? सोचा तुमने हैं? ये बताओ, एक लड़की अगर एक लड़के से प्यार करे तो उसके पेरेंट्स को कौन बताता है? दुश्मन लोग, एनिमीज। लेकिन इसके घर में इसके भैया ने मुझे फोन किया। यस, उसने खुद फोन करके कहा, सुनिए जी, आपकी बेटी एक लोफर के साथ घूम रही है, उसे बचा कर रखो, और जानती हो इसकी ये वैल्यू है अपने घर में। भैया ने ये सब कहा? क्यों, डाउट है तो जाकर पूछो। पूछो ना। तुम्हें एक चांस देता हूँ, अपने घर जाकर अपने भैया से कहो कि मुझे फोन करे और कहे कि आपकी बेटी के लिए मेरा भाई नंबर वन चॉइस है, उसके बाद बात करें। बाप रे, ये तो बड़ा चैलेंज हो गया। अभी भाइयों में तो जम ही नहीं रही है, राइट? एक ही सीन में तो हमने बहुत कुछ चीजें देख ली। बट ये जो था कि ये जो फर्स्ट मीटिंग, मतलब चलो ये मूवी में आपको हंसी आ रही है, बट ऐसी फर्स्ट मीटिंग हो तो शादी कभी नहीं हो सकती, प्लीज। ये बड़ा खतरनाक नहीं था? चाकू तलवार कोयता क्या नहीं था उनके हाथों में, मर जाता यार। मरते मरते बचे वो इसलिए खुश है कि पहले मेरी बेटी के पीछे था, अब ये शिफ्ट हो चुका है और इसको संभालना बड़ा ही मुश्किल है। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम संभालो, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी, अब तुम्हारा हेडेक, इसलिए वो इतना खुश हो चुका है। एंड श्रुति हसन तो टोटली चेंज, आपको भी लकी ने बदल दिया, देखा देखा। अभी तो उसके भी तो इतने सारे इमोशंस बाहर आ रहे हैं, गुस्सा हो, सारी चीजें हो, डर हो, उसके तो फेस पे सब कुछ दिख रहा है। He's not being like ऐसे जैसे श्रुति हसन थी, है ना? तो अभी ये लोग सब लोग चेंज हो चुके हैं लकी के आने से। एंड अच्छा, भाई ने बोला इसलिए आपने अगर उसके फेस के एक्सप्रेशन देखे, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। पता नहीं, फिर शायद नेक्स्ट सीन कुछ भी हो सकता है, देखा जाए तो शायद उन दोनों में लड़ाई या कुछ ऐसे। ये मूवी दोनों भाइयों के बीच की गुस्से के लिए कुछ इसी चीज का तो नहीं है ना? बिकॉज अब तक तो मैंने कोई ऐसा अलग सीन देखा नहीं, तो पता नहीं। तो बट लेट्स सी क्या हो सकता है। एनीवेज, तो भाई ने बोला तो अभी ये नेक्स्ट सीन कुछ तो हो सकता है। जब भाई बोलेगा कि आपकी बेटी से शादी करवाने के लिए बड़ा चैलेंज हो गया है, दोनों में बिल्कुल नहीं जमती, भाई तो बोलेगा नहीं। अभी तो उस सिचुएशन का वो पूरा पूरा फायदा उठा लेगा। पहली जब पुलिस ने पकड़ा था, मतलब भाई ने पकड़ा था, तब तो वहां पे निकल आ गया बहुत सी चीजें, क्रिमिनल को पकड़ो बोल के निकल के गया वो। तो बहुत सी चीजें हो रही है इस मूवी के अंदर। तो ना, मेरा रिएक्शन ऑन द सीन, अल्लू अर्जुन मीट्स प्रकाश राज फ्रॉम द मूवी रेस गुरम। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, गाइस ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे ही मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत मियां लेते